आप लोगों का भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आया हूँ मॉर्निंग वॉक करने। तो आज सुबह सुबह आया हूँ मैं। सुबह सुबह ये वेदर हो रहा है, ये सुबह सुबह बहुत मज़े का वेदर है। अभी मैं सेल्फी स्टिक से बना रहा हूँ। अरे तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है आज व्लॉग बनाने का भी। आज सेल्फी स्टिक से मैं व्लॉग बना रहा हूँ। अब हम मारते हैं स्प्रिंट फुल तेज। गाओ गाने, खूब नाचो, भर दो इस जमीन को गफलतों से, गुनाहों से, बेहयाइयों से। थक जाओगे, हार जाओगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। ये जो अल्लाह से भागने का सफर होता है ना, इसमें इंसान जितना मर्जी चाहे आगे निकल जाए, हारता इंसान ही है। मुझे नहीं पता कि मरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे साथ क्या करेगा और तुम्हारे साथ क्या करेगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अगर ये जिंदगी मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बगावत में गुजारी ना, तो क़यामत के दिन जो सबसे बड़ा अफसोस मुझे होगा वो ये होगा कि काश मैं अल्लाह की मान लेता, काश मैं उन कामों से रुक जाता, उन सेलिब्रेशन से रुक जाता, उन खुशियों से रुक जाता जिनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानियाँ शामिल थी। काश मैं अपने नफ्स को खुश ना करता, काश मैं अपने आप को लज्जतों के हवाले ना करता, काश समझाने वालों की बात को मैं समझ लेता, काश मैं रुक जाता। आप नमाज पढ़ रहे होते हो लेकिन दुनिया के ख्याल आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं। आप फिर उन ख्यालों से लड़कर अल्लाह पे फोकस करते हो लेकिन फिर वो वसवसे आकर आपके फोकस को डिस्टर्ब कर देते हैं, और यही सिलसिला चलता रहता है। आपकी नमाज मुकम्मल हो जाती है, तो ये वाली नमाज भी अल्लाह को मकबूल है। बस एक बंदा मेरी इबादत में मेरे लिए स्ट्रगल कर रहा है, वसवसों से लड़ रहा है, ये तो मुजाहिदे वाली नमाज है ना, कि मज़ा भी नहीं है, सुकून भी नहीं है, फोकस भी नहीं है, फिर भी पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है? अल्लाह का हुक्म समझ के पढ़ रहा है, अल्लाह के लिए पढ़ रहा है। हाँ, ये तो बंदगी वाली नमाज है, तो वसवसे आते रहते हैं। हाँ, अलबत्ता जो कुत्तों के सामने झुकते हैं, जो पत्थरों को पूछते हैं, उनको कभी ये ख्याल नहीं आया कि मुझे वसवसे क्यों आते हैं। शैतान हमेशा डिस्टर्ब उसी बंदे को करता है जो अपने रियल खुदा के सामने खड़ा होता है, क्योंकि शैतान जानता है कि ये नमाज इंसान को बुराइयों से बचा सकती है, बेहयाइयों से बचा सकती है। लिहाजा नमाज में मौजूद लज्जत को शैतान डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है ताकि बस ये जल्दी जल्दी पढ़े और फारिग हो जाए। या और जब जहन्नुम में एक चीख मारेगी तो सारे इंसान और फरिश्ते और अंबिया ऐसे गिरेंगे और सब नफ्से नफ्से आदम अलैहिस्सलाम, नफ्से नफ्से नूह अलैहिस्सलाम, नफ्से नफ्से इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नफ्से नफ्से मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। एक तरफ से एक आवाज आएगी, या रब्बे उम्मती उम्मती, या रब्बे उम्मती उम्मती। तो मैं चलाने लगा हूं साइकिल। या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, तो नजरें तवाफ करेंगी। ये आवाज कहां से आएगी? ये कौन बोल रहा है? सबसे अलग कौन है जो उम्मती उम्मती कह रहा है? जब नजरें आवाज की तरफ चलते 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 पहुंचेंगी तो वहां मेरे आपके चोली फैला के खड़े। बिना पकड़े साइकिल को चला रहा हूँ मैं। अब मोड़ने वक्त पकड़ता हूँ, ये मोड़ने वक्त पकड़ता हूँ।
बस उसके बाद ये الشوق يبقى في اضطرابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها जिस्म देखने का बहुत शौक है ना, तो हिम्मत करना जरा कयामत के दिन मैदान हशर में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबको नंगा खड़ा किया होगा उस वक्त जरा हिम्मत करना किसी को आंख उठाकर देखने की। आज यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत अजाब नहीं दे रहा ना, जमीन फट नहीं रही, आसमान फट नहीं रहा, सितारे टूट नहीं रहे, माथों पे गुनाहों को लिखा नहीं जा रहा, हर गुनाह करने के बाद भी बंदा सेठ साहब नवाब साहब इज्जत वाला बना फिर रहा है। शायद इसीलिए हमें पर लगे हुए हैं, लेकिन ये पर बहुत जल्दी कटने वाले हैं। रूह और जिस्म का ताल्लुक अनकरीब जुदा होने वाला है, फिर हसरतें करेंगे हम, रो रो के हम गले फाड़ेंगे, लेकिन वल्लाही ना हमारे अबाव अजदाद वापस आए और ना हम वापस आएंगे। कुछ होश कर लो, ये लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं, कुछ लोग मिलकर हमारी नस्लों को तबाह कर रहे हैं और हम इन्हीं लोगों को देखने में मसरूफ हैं। हालांकि हमारा अमल और किरदार तो ये होना चाहिए कि अपनी नस्लों को बचाते, उनको एजुकेट करते, उनसे कहते कि ये लोग पागल हैं। हाँ अफसोस, नंगे ये मेरे साथ वॉक करने आ गई। अब इसके साथ उतर के वॉक करते हैं। अब ये भी रेस के लिए तैयार हो गया। ओ हाँ ये हाँ अपने गुनाहों से तौबा करने में देर न करना। सुना है कुछ लोगों के सोने के बाद सुबह नहीं होती। अमीर को देखकर अमीर होना सब सोचते हैं, लेकिन नमाजी को देखकर नमाजी बनना कोई नहीं सोचता। तो ये मैंने 200 रुपए के लिए है, ये दो, एक 50 रुपए का है और दूसरा भी 50 रुपए का है। तो अब देखते हैं इनके साथ क्या करना है हमने। इनको अब खाना खुना देता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल आप लोगों का? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बना रहे हैं ये रोस्ट बना रहे हैं हम सीख पे। इसको खा लूँ मैं, ये इससे जला लूँ मैं इसको, किन जलने का नाम नहीं ले रही। गुड मैन, फिर बुझ जाती है, चलती है, फिर बुझ जाती है। ये रोस बना रहे हैं हम पे। इसको खा लूँ मैं, ये इससे जला लूँ मैं इसको, किन जलने का नाम नहीं ले रही।
गुड मैन। फिर बुझ जाती है, चलती है, फिर बुझ जाती है। अब ये जा रहे हैं हम सीखे लगाने जा रहे हैं हम। ये देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे मैंने अब ये बना लिए हैं। इसी पे ही आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कितने अच्छे बनाए हैं। मैंने खुद बनाए हैं ये। पता था आज होना है। इसी के साथ होता है मेरा व्लॉग एंड। अल्लाह हाफिज़।